चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार मित्रों, चंबल प्रभा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है और इसी के साथ भारत में भी उसने दस्तक दे दी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोरोना से पीड़ित होने वालों और मरने वालों की संख्या उतनी नहीं है जितनी हमारे देश में रोजाना लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, लेकिन यह बीमारी खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में, माने तो इसके एक परिवार में यदि किसी एक व्यक्ति को कोरोना जैसी बीमारी लग जाए तो उसके पूरे परिवार को खतरा हो जाता है। और आज देश में ये इतनी स्पीड से फैल रही है कि अमेरिका जैसे देश इसको रोकने में नाकामयाब नज़र आ रहे हैं और हमारा भारत इस कोरोना की लड़ाई में अपना पूरा प्रयास कर रहा है। तो आज हम पहुंचे हैं लालपुर पंचायत के रैसेना गांव में और यहां हमारे साथ जिन्हें लोकतंत्र की पहली कड़ी के रूप में माना जाता है, जो जनता को सीधे राजनीति से जोड़ते हैं, तो इस पहली कड़ी में जो सरपंच होते हैं आज हमारे साथ हैं लालपुर पंचायत के सरपंच, और हम इनसे बात करेंगे, यहाँ के हाल जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए इन्होंने गांव के लोगों को किस तरह जागरूक किया और गांव के लोगों के लिए किस तरह के प्रिकॉशन बताए और किन किन चीज़ों पर ध्यान देने का विशेष रूप से आग्रह किया। तो नमस्कार, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपको यह रहेगा कि आपने अपनी पंचायत में लोगों को किस तरह इस कोरोना जैसी भयावह बीमारी से बचने के लिए क्या लोगों को आग्रह किया? पहले तो जो सरकार के आदेश थे कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सब लोगों को पहले डोर टू डोर जाके समझाया, हम लोगों ने मीटिंग ली यहाँ पे सारे वार्ड पंचों की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहयोगिनियों की और अध्यापकों की, सबको समझा के पूरी पंचायत में विशेष रूप से समझाया सबको। उसके बाद हमने पूरी पंचायत में कोटेशंस लिखवाए जिससे लोगों के दिमाग में बार बार स्ट्राइक करता है कि हमको कोरोना बहुत बड़ी महामारी है और हमको बचना है। इससे बचाव का एकमात्र साधन सोशल डिस्टेंस, यानी कि कम 1 मीटर की दूरी आपस में बनाए रखेंगे तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, एक बात। अब दूसरा कारण, दूसरी व्यवस्था, मैंने पहले कोटेशन लिखवाया, उसके बाद में छिड़काव कराया, पूरा सैनिटाइजिंग कराया पूरी पंचायत को, गली टू गली, नालियाँ, घर द्वार सबको सैनिटाइज कराया। उसके बाद जो लोग आश्रित थे, दिहाड़ी मजदूर थे, जो लोग रोज धौलपुर काम किया करने के लिए जाते थे, बाहर जाते थे, उनके लिए सबके लिए खाने की व्यवस्था, सूखा आटा पिसवा के, आलू, राशन, तेल, मिर्ची, नमक, ये सारी व्यवस्था किट बना के हमने उनको दी। आज भी हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तत्पर हैं, रोज़ तैयार रहते हैं पंचायत में, कर किसी गरीब को कोई असुविधा नहीं होने देंगे जब तक हम हैं। हमारा पूरी टीम प्रयासरत है, पंचायत में कोई भी दुखी नहीं है। आज सब सरकार के नियमों का अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। सबके दिमाग में और जहन में बैठा हुआ है लेखनी से, और इससे सबसे दिमाग में बैठ गया है कि लोगों को दूर दूर रहना है और ये महामारी है, इसे तभी बचेंगे जब हम दूर रहेंगे और कहीं अन्यत्र जगह पर नहीं आएंगे। कोई बाहर से आदमी आएगा उसको सूचित करेंगे और चेक कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता लगा कि क्या क्या प्रयास किए इन्होंने, तो सर्वप्रथम मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो बाहर से आजकल पलायन चल रहा है, क्योंकि पूरा भारत बंद है, लॉकडाउन है, और आज भी मोदी जी द्वारा बताया गया कि 3 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि 19 दिन और बढ़ा दिया गया है इस बीमारी से। अभी तक भारत में केस बढ़ रहे हैं, यदि ये गांव में फैल जाता है तो इसको रोकना असंभव हो जाएगा। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके गाँव में कितने लोग आए और कितनों को चेक कराया गया? हमारे गाँव में 80-85 लोग बाहर से आए, पूरी पंचायत मानो तो 200 लगभग, सबको मेडिकल बोर्ड, मेडिकल डॉक्टर्स को बुलाया और सबकी जांच कराई। PSC हमारे यहाँ बरेली लगती है, वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनको हमने सूचित किया, उनका बड़ा सहयोग है, वो लोग हमारे यहाँ आके पूरी मदद कर रहे हैं और सबको चेक कर रहे हैं। आज वो लोग सब स्वस्थ हैं और घर पर रह रहे हैं। जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए एक दिन के लिए, जैसे अपन गाँव में बोलते हैं हार खेत खलिहान,
वहाँ पर उनका निवास स्थान बनाया और 24 घंटे उनको वहाँ रखा, उसके बाद में उनको गवर्नमेंट दी थी चेकअप के बाद। तो शहर के साथ साथ दोस्तों गांव में भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ के सरपंच ने बताया कि लोगों को खेत और खलिहानों में रुकने की व्यवस्था की गई और उन्हें गाँव से दूर रखा गया, जिससे यह बीमारी कहीं गाँव में प्रवेश ना कर जाए। दोस्तों जो मुख्य प्रश्न हमारा किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, सरपंच से हो सकता है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से हो सकता है, क्योंकि हर गांव में हर तरह के लोग होते हैं, तो निचला तबका भी होता है, मध्यम वर्ग भी होते हैं और अपने भरण पोषण और अच्छे परिवार रिच परिवार भी हर जगह होते हैं। तो आजकल जैसा हर पंचायत में हो रहा है और कुछ लोगों को अलग से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते किसी के पास कोई दिहाड़ी मजदूर है, किसान है और उसके पास खेत नहीं है, जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए क्या किया गया स्पेशल तौर पर? उनके लिए सरकार के लिए लिखा है हमने जी, सरकार बैंक टू बैंक उनका कनेक्शन में है, उनको डाल रही है और जो हमसे बनता है वो उनके लिए सहयोग हम करते हैं, वो लोग हमको समस्या आके बताते हैं, हम उनकी पूर्ति करते हैं। हाथ धोने के लिए हमने पूरी पंचायत में लगभग 2000 साबुन वितरित किए, सबको अपनी तरफ से मास्क मुहैया कराए और सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं अपन। सैनिटाइजर भी जो हाथ धोने का होता है, हाथ साफ करने का, उसकी व्यवस्था की है। जहाँ जहाँ दुकानें हैं, स्कूल है, विद्यालय हैं, मंदिर है, वहाँ पर सब जगह सैनिटाइज की बोतल्स रखी हुई हैं। ये पंचायत तरफ से हम लोगों को, उन लोगों को मुहैया कराया है। तो ये थे हमारे साथ लालपुर पंचायत के सरपंच, और इनसे हम एक और बात भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो आसपास की पंचायतों के सरपंच हैं, और आप अपने पंचायत के लोगों को आखिरी शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस, कोरोना एक महामारी बीमारी है, इसका इलाज मात्र सोशल डिस्टेंस है, आप दूरी बनाए रखें और बाहर से आए हुए व्यक्तियों को कम से कम छूने का प्रयत्न करें। बाहर भी कहीं जाएँ सामान लेने के लिए तो चीज़ों को छूएं नहीं, सामान ला के 24 घंटे अपने कुन्ने में रख दें बाहर, उसके बाद में उसका उपयोग घर पर कराएं। ये मेरा संदेश सबके लिए, धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ लालपुर पंचायत के सरपंच, और हमारा चंबल प्रभा भी आपसे आग्रह करता है घरों में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। यदि आप हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और लोगों को शेयर करें, जागरूक करें। और हम अभी आगे पंचायत का भ्रमण भी करेंगे और लोगों से भी जानेंगे किस पंचायत में किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा। तो दोस्तों आपने लालपुर पंचायत के सरपंच साहब को सुना, और इसके बाद हम यहां के LDC से बात करेंगे और जानेंगे कि गाँव के क्या सिचुएशन है, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं। एक निश्चित जो रूपरेखा होती है जो प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयड होते हैं और राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे कि क्या स्थिति है लालपुर पंचायत की। तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे, मतलब इस पंचायत में कितने लोग बाहर से आए और क्या अभी स्थिति है पंचायत की? पंचायत की स्थिति बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ पर बाहर से लगभग हमारे यहाँ 30 लोग आए हैं, और जो स्वस्थ हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, डेली उनकी चेकिंग होती है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पूरी पंचायत को हमने सैनिटाइजर कर दिया है, छिड़काव कर दिया है दवाओं का, और कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, और सबको साबुन वितरित किए हैं, मास्क भी वितरित किए हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। और सैनिटाइजर, मास्क और साबुन, इसके साथ साथ आपकी पंचायत में लोगों को, जैसे जो असहाय परिवार हैं उन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, ऐसे परिवारों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ऐसे परिवारों के लिए हमने भामाशाहों से राशन सामग्री उपलब्ध कराई है जी। और 18 परिवार ऐसे थे जिनको खाने पीने की समस्या थी, उनको वितरित किया है, वो सूचना हमने ऊपर भी भेजी है जिनको वितरित किया है। आगे भी कोई दिक्कत आएगी तो उनके लिए भामाशाहों से ही हम इस व्यवस्था को करेंगे जब तक सरकार से कोई उपलब्ध नहीं होता है। तो ये थे दोस्तों लालपुर पंचायत के LDC विजयपाल सिंह, और इनसे भी हमने जाना जो एक्चुअल आंकड़े जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ही मिलते हैं, और इसके बाद भी हम जानेंगे, पंचायत में घूमेंगे, फील्ड का दौरा करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे हर एक सूचना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं
लालपुर पंचायत के पटवारी, और इनसे भी हम जानेंगे। कलेक्टर साहब के द्वारा काफ़ी निर्देश दिए गए हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा काफ़ी निर्देश दिए गए हैं, और उनकी अनुपालना के तौर पर किस रूप से तैयारियां की गई हैं पटवारियों के द्वारा, क्योंकि अलग अलग पंचायत के अपने पटवारी होते हैं जो अपने पूरी तैयारियां करके चलते हैं और लोगों तक हर सुविधा डायरेक्ट मुहैया कराते हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार ये गाँव में अपनी पंचायत में किस लेवल पर और किस हद तक काम किया जा रहा है, क्योंकि निचली इकाई के रूप में हम गांव को लेकर चलते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यदि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद गांव पर नहीं ध्यान दिया गया तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे, सर्वप्रथम पटवारी साहब आपसे हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुमेर सिंह यादव है और मैं लालपुर पंचायत का पटवारी हूँ। अभी भारत सरकार के आदेश के अनुसार कलेक्टर साहब ने जो ड्यूटी लगाई है तो उसमें मुझे ग्रामीण उड़नदस्ता दल का प्रभारी बनाया गया है, जिसमें मुझे ड्यूटी दी गई कि गांव के अंदर जितने भी राशन डीलर हैं उन दुकानों के ऊपर उनको नियंत्रण करना, कोई अगर गड़बड़ी करता है तो उसकी जांच करके SDM साहब को शिकायत भेजना। तो दोस्तों हम आपको बता देंगे, लालपुर पंचायत के जो पटवारी हैं उन्हें उड़नदस्ता दल में रखा गया है, और इनका कार्य है कि गाँव में जो डीलर होते हैं उनको कंट्रोल करना, उन पर नज़र रखना कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं कर रहे, और इसी के साथ इन्हें जो निर्देश दिए गए हैं उनमें एक निर्देश ये भी है कि सभी दुकानों के ऊपर जो राशन विक्रेता हैं जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनकी रेट लिस्ट इनके हाथ में अभी है, तो वो लिस्ट में क्या क्या रेट हैं, किस किस सामान की रखी गई हैं, वो रेट भी हम आपको बताना चाहेंगे और पटवारी जी बताएंगे आपको कि वो रेट लिस्ट क्या है। तो पटवारी जी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से रेट लिस्ट है और किस किस सामान की क्या क्या रेट रहेगी। जो डेली यूज की खाद सामग्री है उसकी भारत सरकार ने एक रेट तैयार किया है इलाके वाई, तो उसमें जैसे आटा है वो 23 रुपये KG है, चीनी है 38 रुपये KG है, सरसों का तेल है 90 रुपये KG है, चना दाल है 65 रुपये KG है, मसूर दाल है 70 रुपये KG है, अरहर दाल है वो 100 रुपये KG है, रिफाइंड ऑयल है वो 100 रुपये लीटर है, मैदा है 30 रुपये KG है, सूजी है 30 रुपये KG है, मूंग दाल छिलका है वो 100 रुपये KG है, उड़द दाल छिलका है वो 90 रुपये KG है। तो ये डेली जो खाद सामग्री रूटीन की वस्तुएं हैं ताकि बाज़ार में इसकी काला बाजारी ना हो, और इस बढ़ते हुए महामारी के दौर में किसी आदमी को या किसी गरीब को या किसी किसान को दुकानदार किसी तरह से मतलब कि उसको गुमराह ना करे, इसलिए हर दुकान के ऊपर ये लिस्ट है, रेट लिस्ट है चस्पा की गई है। तो दोस्तों कस्टमर को परेशानी ना हो, आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए निर्देशानुसार ये रेट लिस्ट जगह जगह लगाई गई हैं, और इसी के साथ हम जो कलेक्टर साहब के निर्देश हैं और राजस्थान सरकार के निर्देश हैं कि स्वयं सेवक दल का गठन किया जाए, वॉलेंटियर लोगों को इकट्ठा किया जाए और गाँव में ढाणी ढाणी में मोहल्ले मोहल्ले में उन्हें तैयार किया जाए, और उसके बाद पूरे गांव को पूरी पंचायत को नियंत्रित किया जाए। तो इसके क्या इसको लेकर पटवारी जी द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों को उस दल में ले आया गया, क्योंकि यह स्वयं सेवक है तो जो लोग वॉलेंटियरी इनके पास आएंगे और अपना नाम दर्ज कराएंगे उसके हिसाब से इनकी टीम गठित होती है। तो ये हम जानेंगे कि अब तक कितने लोगों ने लालपुर पंचायत से अपने नाम दिए। अब तक लालपुर पंचायत ने तकरीबन 20 लोगों का नाम हम दर्ज कर चुके हैं। लोगों का हमने जागृत किया है, लोग आते हैं स्वयं सहायता समूह के में अपना नाम दर्ज करवाते हैं कि वो वॉलेंटियर के रूप में काम करेंगे, उसको वो उनको किसी तरह का मानदेय वगैरह वो निर्धारित नहीं है, ना ही वो उसकी चीज़ की मांग करते हैं। तो वो उनका एक सबसे मेन काम ये कि एक वार्ड वाई एक आदमी या दो आदमी को हम नियुक्त करते हैं ताकि जो बाहर से आने वाले आदमी हैं उनकी वो पहचान कर सके और हमें और प्रशासन को तुरंत उसकी सूचना दे ताकि हम अगली कार्रवाई तुरंत कर सके ताकि इस बीमारी से कैसे न कैसे निजात पाया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ लालपुर पंचायत के पटवारी, और उन सभी वॉलेंटियर को सभी स्वयंसेवकों को चंबल प्रभा सलाम करता है और उनके जज्बे को सलाम करता है। इसी प्रकार से यदि पूरे देश में यह स्वयंसेवक दल बनते हैं और कार्य किया जाता है तो जरूर हमारा देश कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा। सेना गाँव में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तुमने खाक छानी है हर गली चौराहे की, थोड़े दिन की तो बात है अपने घर में रहो। आगरा वीरेंद्र सिंह पारासर सरपंच। तो दोस्तों इस गांव का हम पूरा देखेंगे और इस दीवार पे लिखा हुआ है और बताया जा रहा है कि इस पूरे सारे गांव में ये लिखे हुए हैं, इस तरह के नारे
इस तरह की जागरूकता अभियान के तौर पर ये नारे जो हैं बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। और यहाँ के एक कुछ ग्रामवासी हमारे साथ भी हैं, तो हम चाहेंगे उनसे भी बात करें और जानें कि इस गांव का अभी क्या माहौल है और किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। तो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनवेद पारासर है सर। जी जनवेद पारासर जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे गाँव का क्या माहौल है और ये जो लिखा हुआ है, क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, सरपंच साहब के आदेश अनुसार बहुत अच्छा लॉकडाउन का पालन हो रहा है हमारे गांव के अंदर। अच्छा। और सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जी, चाहे वो राशन पानी हो चाहे कुछ भी। सरपंच साहब अपने गृह कोष से भी खर्च कर रहे हैं राशन पानी, गरीबों की मदद की जा रही है और सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं हमारे गाँव में। कुछ ये हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं वासुदेव प्रसाद त्यागी जी। वासुदेव जी, क्या इस गांव का अभी माहौल कैसा है कोरोना को लेकर? कोरोना का माहौल अभी तो गांव के अंदर कोई ऐसी शिकायत नहीं है। जी, शिकायत नहीं है, लेकिन लोग घरों से बाहर घूम रहे हैं या भीड़ कर रहे हैं या नहीं, ऐसा घरों से बाहर नहीं घूम रहे, कोई नहीं घूम रहा है। अच्छा। सरपंच वैसे डेली आकर के रहे, सब कुछ चेक करते हैं, देखते हैं, सभी से यही कहते हैं कि घर से बाहर कोई भी। खाने पीने की कोई दिक्कत? खाने पीने के लिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कुछ भी है वो सरपंच अपनी जेब से वैसे सबको बुला के भाई कोई भूखा नहीं रहे, हमसे हम दे रहे और वो देती है। तो दोस्तों, हम और भी गांव में जाकर लोगों से बात करेंगे और गांव की अलग अलग जगहों पर जाकर देखेंगे कि कहां कहां इन्होंने ये सारी चीज़ें जागरूकता के लिए लिख रखी हैं। और हम पहुंच चुके हैं कि फिर से एक ऐसी दीवार के पास जहां लिखा हुआ है कोरोना से, कोरोना का कोई उपचार नहीं, बचाव ही उपचार है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सरपंच की एक नई पहल यहाँ नज़र आती है कि कोरोना का कोई उपचार नहीं, बचाव ही उपचार। और यहाँ एक अन्य ग्रामवासी हैं हमारे पास, इनसे जानेंगे कि ये कब का लिखा हुआ है यहाँ। ये लिखा हुआ है 5-8-10 दिन हो चुके हैं और सरपंच साहब ने सामान भी बांटा है, मास्क भी बांटा है, दवाई भी छिड़की है गांव। अच्छा, गांव में दवाई छिड़की है। अच्छा। बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। अच्छा, आपको मिला साबुन? हाँ साहब, सबको मिला, हम भी। अच्छा, पूरे गाँव में बांटा है। तो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कृपाराम जी। कृपाराम जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस गांव में अभी कैसा माहौल है? नहीं, बढ़िया है अपने यहाँ। अच्छा, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था है? सब व्यवस्था बढ़िया है, कोई परेशान नहीं। अच्छा, यहाँ की दीवारों पे जैसे स्लोगन मैंने लिखे देखे, कुछ नारे लिखे देखे, क्या लोग इन्हें पढ़ते भी हैं? पढ़ते क्यों नहीं। अच्छा, पढ़ के इनका पालन करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं पालन। अच्छा, तुम लोग वैसे देखेंगे? नहीं, जैसा हम देख रहे हैं कि लोग काफी घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, पर दूर बैठे होंगे। जी जी जी, आपका भी मैंने देखा, आप यहाँ बैठे हैं। हाँ। और दिखाएं कि ये व्यक्ति भी यहाँ थोड़ी दूरी पे बैठे हैं। तो इस तरह से लोग ग्रामीण इलाकों में, आप देख सकते हैं कि इनकी टेलरिंग की दुकान है। हाँ। तो यहाँ गोला भी सर्कल बने हुए हैं कि लोग दूर दूर रहें। तो गाँव का माहौल कहीं ना कहीं इस तरह का नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का मैं कहूँगा अभाव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा शरारती होते हैं तो थोड़ा सा वो घरों से बाहर हमें घूमते नज़र आ जाते हैं। कुछ बच्चे हैं तो बच्चों को, हालांकि गांव में इतना कोरोना ने अभी दस्तक नहीं दी है, तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, इस दीवार के पास कृपया घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हर सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने आज लॉकडाउन बढ़ा दिया 3 मई तक, और यहाँ भी लिखा है घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो ग्रामवासी हमारे साथ, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह का माहौल है इस गांव का। जी, यहाँ पर बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बढ़िया, कोई घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं अपने, सब घर पर ही रहते हैं। तो आप कितने दिन से घरों में हैं? सर, हमको जब से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया, जब से हम घर में ही हैं। तो आपको धौलपुर जाए कितना टाइम हो गया? धौलपुर हो गया होगा सर, 1-2-3 दिन हो गया होगा। 3 दिन हो गया। नहीं, क्यों गए थे सर? उसमें अपना राशन का सामान लेने के लिए गए थे। तो इन्होंने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का जैसा ऐलान किया, उसके बाद घरों में ही लोग रहे और उसके बाद गांव का माहौल भी कुछ तरह से शांत रहा। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजन। राजन, ये हैं राजन जी, और आप देख सकते हैं कि ये मास्क लगाए हुए। मास्क किसने दिया आपको? सरपंच जी ने। अच्छा, सरपंच जी ने साबुन भी दिया? हाँ, हाथ धोने के लिए। और क्या क्या दिया? साबुन हो ये दिया है बस। अच्छा, ये एक दुकान हमारे सामने है छोटी सी, और इस पे भी मैं आपको, जैसा हमें बताया गया कि यहाँ रेट लिस्ट भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये छोटी सी दुकान है गाँव की छोटी छोटी दुकानें हैं, रेट लिस्ट लगी है। दुकान भी दिखाएं थोड़ा सा।
और यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी पालन कर रहे हैं। और दोस्तों इस पूरे गांव को मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल इसकी बहुत अच्छा गांव है यहाँ मेरे को देखने को मिला। और इस घर पे आप देख सकते हैं कि या तो घर में रहें, नहीं तो हॉस्पिटल में रहेंगे, या फिर दीवार पे आपका फ़ोटो फ्रेम में रहेंगे। क्या बात है, मतलब यहाँ एक चेतावनी, लोगों को चेतावनी दी गई है जिसमें कहा गया है कि या तो घरों में रहें, अगर आप घरों में नहीं रहेंगे बीमारी लगेगी, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, यदि भगवान न करे किसी के साथ बीमारी बढ़ती इस बीमारी का कोई दुर्घटना हो गई या किसी की मृत्यु हो गई तो फोटो फ्रेम में लटक जाएगा। तो जिससे लोगों से भी हम आग्रह करते हैं, चंबल प्रवाह आग्रह करता है कि घरों में रहें। गाँव में घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया है और लॉकडाउन का पालन यहाँ भी लोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये दुकान है शीतल स्टोर, और यहाँ दुकान बंद है, तार लगा हुआ है, रेट लिस्ट लगी हुई है, और यहाँ नारा भी लगा हुआ है, मुंह नाक आँखों से छूने से बचें, क्योंकि ये जो कोरोना का वायरस है हाथों से मुंह नाक और आँखों के जरिए अंदर जाता है। तो दोस्तों चलते चलते हमें कई नारे मिले, और एक और नारा है यहाँ, नमक डालकर गर्म पानी के गरारे करें, मास्क का प्रयोग करें, आग्रह करता वीरेंद्र पारासर सरपंच। मतलब गांव की कई जगह पर लिखे हुए हैं, लेडीज बैठी हुई हैं यहाँ इसी घर। ये आपका घर है? हाँ। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी जी हैं। किस तरह ये लॉकडाउन का असर पड़ रहा है गांव में? अपना गांव तो सही है। अपना गांव सही है। हाँ। तो इनका जगह का नारा आप देख सकते हैं, कोई रोड पर ना निकले, आग्रह करता वीरेंद्र पारासर। और वहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा दूर जरूर है, मैं ले जाने की कोशिश भी करता हूँ आपको, कि कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं कि अन्य राज्यों से लौटने वाले जांच अवश्य कराएं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए खास निवेदन इस गांव में किया गया है, और अन्य जगह की भी हम आपको रिपोर्ट बताएंगे कैसा माहौल है गांव का। तो दोस्तों यहां भी इस दीवार पर आप देख सकते हैं, यदि बच्चों से प्यार है तो सावधानी रखें, चेतावनी आए। और हमारे साथ एक वृद्ध व्यक्ति हैं यहां के गांव निवासी, और इनसे भी हम पूछेंगे कि ये कोरोना जैसी महामारी जो अभी आई है 2020 में, कभी पहले भी आई थी क्या आपके? आज मेरी 72-73 साल की उम्र हैगी साहब जी, आज तक ऐसा रोग हमने नहीं देखा। और कभी ऐसा लॉकडाउन या ऐसा कोई माहौल बना आपके? बिल्कुल नहीं बना आज तक। अच्छा। पर हमारी सरकार जा समय पर बड़ा भारी अपना प्रयोजन कर रही है जी। हाँ। तो आप लोगों से क्या मतलब, युवाओं को आजकल किसी की नहीं मानते, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मानेंगे नहीं तो फिर जिएगा? मानना चाहिए जो सरकार की बात है, जो हमारा प्रशासन दिन में और रात में घूम रहा है, अपने बच्चों को नहीं देख रहा है और तुमको समझा रहा है, आपकी समझ में नहीं आवे, वो आदमी अबुद्धि है उसकी। तो ये थे इस गांव के वृद्ध व्यक्ति, जिन्होंने कहा कि मानना चाहिए प्रशासन जो आपके लिए आज सड़कों पे खड़ा है, कम से कम आप लॉकडाउन का और घरों में रहें। ये हैं हमारे साथ इस गांव के ई मित्र संचालक हैं और बैंक मित्र भी हैं, और इस अभी जो पैसे आ रहे हैं खातों में जनधन योजना के तहत या पेंशन के पैसे और या सिलेंडर के पैसे, तो किस प्रकार लोगों को मदद मिल रही है और आप किस प्रकार लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं? देखो हमारे यहाँ से रोज़ाना 40-50 आदमियों को पेमेंट दिया जाता है, और पेंशनधारी भी हैं, और जो महिलाओं के खाते में पैसे 500 रुपये आ रहे हैं वो भी मिलते हैं, सिलेंडर के पैसे आ रहे हैं, समय पर वितरण किया जाता है। अच्छा। तो ये थे बैंक मित्र, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार जो लोगों के पैसे आ रहे हैं उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और सब तरह का पालन किया जा रहा है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ग्राम पंचायत लालपुर गाँव में, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गर्म पेयजल पदार्थों का, चाय आदि का प्रयोग, और अंत्योदय राशन कार्डों के लिए चाहे उसमें एक यूनिट हो, चाहे चार हो, चाहे छः हो, चाहे 10 हो, उनको 40 किलो राशन दिया जाता है। बाकी BPL और ये सब उनके नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, और इन लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है, और जैसा इन्होंने बताया यूनिट के हिसाब से लोगों तक राशन पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और कल से जो वेतन हमारे पे आदेश दिए हैं कि अतिरिक्त कोठा जो मंथली गेहूं जो मिलता है उसके अतिरिक्त जो हमारे को 116 क्विंटल गेहूं दिया गया है, जबकि हमारे यहाँ 132 क्विंटल के राशन कार्ड बने हुए हैं लालपुर और ऐसे नाम मेरे पास में,
और जिनके लिए 16 कुंटल गेहूँ कम पड़ेगा, तो 16 कुंटल गेहूँ के करीबन 64 से और 70 कार्ड रह सकते हैं चार यूनिट के हिसाब से, जिसमें किसी में 2 यूनिट भी, किसी में 3 यूनिट भी, और किसी में 6 यूनिट भी, और किसी में 7 यूनिट भी। इस तरह 64 का हमने आंकलन अपने मतानुसार किया है। अच्छा, ये आपने जो रह सकते हैं या कमी पड़ रही है उसका इन्फॉर्मेशन जो आगे मतलब निशानी थी पहुंचा दी गया? नहीं, कोई नहीं पहुंचाई है। उनसे कहा गया है कि ऐसे लोग जो रह जाएंगे 64 कार्ड, उनके लिए हम क्या उनसे जवाब देंगे, क्या उनसे कहेंगे कि आप कल ले जाना कि परसों ले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो 1 से 16 कुंटल का ही अतिरिक्त कोठा आवंटन किया है, जब 132 कुंटल गेहूँ से वो पूरा किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ राशन का जो सामान है उसमें जो इन्हें आवंटन किया गया है उसमें कमी रहेगी और कम से कम 60 से 70 कार्ड रह सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने आगे प्रशासन को भी अपनी जवाबदारी बताई और लोगों आग्रह किया प्रशासन से कि और हमें आवंटन कराया जाए। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रवाह। नमस्कार दोस्तों, अभी चंबल प्रवाह की टीम पहुंच चुकी है नसीलपुर गांव में। ये लालपुर पंचायत में आता है और आप देख सकते हैं, सावधानी अपनी सुरक्षा अपनों की, यहाँ स्लोगन लिखा हुआ है लोगों को जागरूक करने के लिए। गली आप देख सकते हैं, यहाँ लोग गाँव में पूरी तरह सुरक्षित हैं और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, एक अलग जगह का एक अलग दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, मुंह नाक आँख कान को ना छुएं, छूने से बचें, और इस प्रकार लोगों को जागरूक करने के लिए ये स्लोगन नारे लिखे हुए हैं और लोगों में भी काफ़ी इसकी पालना हो रही है। और ये दृश्य है दूसरी जगह का, कृपया घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, सावधानी अपनी सुरक्षा अपनों की, और ये सरपंच के माध्यम से लिखवाए गए हैं। और अन्य किसी गांव के व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? भगवान स्वरूप। भगवान स्वरूप जी, कैसा माहौल है अभी गांव? सही है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये स्लोगन सारे गांव में लिखे हुए हैं? सही लिखे हैं। अच्छा अच्छा, और लोग लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर घूमते क्या करते हैं? कहाँ घूमते, भीतर ही रहते हैं। अच्छा, तो गाँव के लोग अंदर रह रहे हैं और घरों में रह कर अपना आराम कर रहे हैं, और खेतीबाड़ी का जो काम है वो तो लोग करते ही हैं। गांव के हमारे साथ एक वृद्ध बुजुर्ग हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि गांव का माहौल कैसा है, और इन्होंने अपनी अभी इनकी उम्र 80 से 85 साल मुझे लग रही है, और ऐसा कभी हुआ था क्या, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद। भगवती प्रसाद जी, हम जानना चाहेंगे कि ऐसा आपके जीवन में पहले भी कभी हुआ था? ना भाई। अच्छा, आपके जो पूर्वज थे, आपके पिताजी थे, ऐसा कोई जिक्र करते हो आपसे? पहले बीमारी बड़ी 35 साल बड़े बूढ़े निकल गए। अच्छा, उसका क्या बीमारी थी? राम जाने का ही। तो अच्छा, तो इनका कहना है कि हमारे परी है जो, ये तो हमारे सामने पहली बार है, लेकिन हमारे पिताजी बुजुर्गों के टाइम में एक बीमारी थी। और आज का गांव का कैसा माहौल है? ठीक है, जाखन तो ठीक है। अच्छा, आदमी घर में रह रहे हैं कि ना रह रहे हैं? घर में रह रहे हैं और काम करने पर रहे हैं, खेती बाड़ी तो कर रहे हैं। ठीक है, कोई माहौल सही है। हाँ, तो जैसे इन्होंने हमें बताया कि खेती बाड़ी के जो काम हैं लोग कर रहे हैं, और जैसा हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ गाँव के बुजुर्ग हैं। और क्या नाम है बाबा आपका? देवी राम। बाबा जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आज का माहौल कैसा है लोगों का? आज का मामला ठीक है। अच्छा, घने में तो रह रहे हैं आदमी? हाँ, घने में। ज्यादा बात तो ना निकलता ही ना, खेती बाड़ी को काम को भले जाए बस। वो काम बहुत काम होगा, बाकी मोड़ी मोड़ा ज्यादा घरते बाट डोनते भी तो ना डोल रहे ना डोल रहे बजाने में तो ना जा रहे ना जा रहे। हाँ, तो जैसा इन्होंने बताया, हम देसी भाषा में बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग ज़्यादा बाज़ारों में नहीं घूम रहे हैं और ज़्यादा गांव में ही रहकर अपने सारे काम जो आवश्यक वस्तु हैं उनका कलेक्शन करके और अपना सारा काम चला रहे हैं। जो कोरोना बीमारी फैल रही है और ये बीमारी बहुत हद तक फैल चुकी है, तो हम भी गांव में पहुँचे हैं जानने के लिए कि गाँव में लोगों तक क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। तो हम बाबा, हमें बताएँ कि जहाँ दवाई छिड़क रही है का? हाँ, छिड़क रही है दवाई। अच्छा, सावन भावन बटे हैं? सावन बटे। और जी दीवान ने पे जी लिखवाओ, कह देना पहले लिखवाओ। अच्छा, तो जैसा यहाँ गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि 6-7 दिन 8-10 दिन पहले ये लिखवाया गया
गांव को जागरूक करने के लिए, और ये लॉकडाउन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बढ़ाया गया, उसके बाद गांव में पूरा सैनिटाइज किया गया, यहाँ छिड़काव हुआ, लोगों को साबुन बांटे गए, मास्क बांटे गए, और अन्य सुविधाएँ जो यहाँ मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो सारी सुविधाएँ मुहैया कराई गई, क्योंकि नेसेसरी जो अभी सब्जेक्ट है इससे बीमारी से बचना सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और इस बीमारी की चपेट में ना आए अच्छा रहेगा, और हमें विश्वास है कि ज़रूर जीतेगा भारत। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रवाह। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ सुझाव कहें या चेतावनी यहाँ लिखा हुआ है, गर्म पेय पदार्थ चाय आदि का ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे कोरोना वायरस सीधा इफेक्ट करता है पहले गले पे, यदि आप गले में ही गरारे वगैरह चाय का सेवन करते रहेंगे तो उससे कोरोना वायरस पर इन्वर्स इफेक्ट जाता है और ख़त्म हो जाता है। नसीलपुर गांव का अंतिम छोर, और यहाँ लिखा हुआ है कोई रोड पर ना निकले, निवेदक वीरेंद्र पारासर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको पूरा गांव दिखाया, और गांव के अंतिम कड़ी के रूप में अंतिम छोर पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क यहां समाप्त हो जाती है, और चंबल प्रवाह ऐसी आपको हर तरह की न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लोगों में शेयर ज़रूर करें। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रवाह।